देखो मौसम कितना औसम हो गया है, और आज तो कोई काम भी नहीं है, मतलब घर पे काम भी नहीं चल रहा है, आज कोई भी काम नहीं है, कारपेंटर भी नहीं आया है, ये वर्क पेंडिंग है, पता नहीं यार आज ही क्या हो गया है इन लोगों को, आज कोई भी नहीं आया है। और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, बट मुझे ऐसा मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये सारा काम पेंडिंग है यार। मैं सोच रही हूँ कि जल्दी सब कुछ ख़त्म हो जाए, बट ये लेट कर ही रहे हैं सब लोग। हे गाइज, गुड आफ्टरनून। आज आफ्टरनून से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, मतलब आफ्टरनून में मैं आपसे बात कर रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ पहले? अरे मैंने ना यहाँ पर चाय रख दी थी मेरे लिए, और चाय उबल गई बोलते। यहाँ पर मैं गुड़ की चाय बना रही थी। एक्चुअली मेरे गुड़ की चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, तो इसी वजह से मैंने अपने लिए गुड़ की चाय बना दी। और आज सब कुछ लेट क्यों हुआ बताती हूँ। आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, आज 2 बज गया है सारी चीज़ों के लिए, और मैंने अभी भी हेयर वॉश किया है। एक्चुअली सुबह इनको जल्दी ड्यूटी जाना था, तो इसी वजह से सुबह सुबह इतने जल्दी तो कुछ हो नहीं पाया, तो मैंने क्या किया, जीरा राइस बना दिया, और कल रात का चिकन था, तो वो चिकन और जीरा राइस खा के चले गए ड्यूटी, और लेट आने वाले थे, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो अभी मेरे लिए क्या बनाऊँ और बच्चों के लिए क्या बनाऊँ। तो यहाँ पर बनाया है ये शिंगोड़े। शिंगोड़े की रेसिपी आपने देख ली है इससे पहले भी, बस शिंगोड़े बना लिए और हम लोग अभी शिंगोड़े खा लेंगे। हम तीनों के लिए ही सिर्फ इतना सारा खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, और बच्चे तो दाल चावल भी खा लेते हैं, बट मैंने आज शिंगोड़े बनाए। शिंगोड़े सबको पसंद है, बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है, सिर्फ इनको नहीं पसंद, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। तो ये खाने वाले नहीं थे क्योंकि ये खा के गए थे, तो इसी वजह से मैंने आज शिंगोड़े बना दिए। और अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना शिंगोड़े की, इस बार तो मैंने शेयर नहीं की। क्या हो गया? अधिक का पुराना टिफिन देखो, कहाँ कहाँ से क्या क्या लेके आ जाता है अधिक। अधिक का पुराना टिफिन, जब ये स्कूल स्टार्ट किया था ना अधिक ने, तब का है ये टिफिन, मतलब पुराना मीन्स बहुत साल पुराना है, जैसे मतलब कौन सा प्ले ग्रुप का है, अधिक के प्ले ग्रुप का टिफिन है वो, 3 साल पहले का। तो चलिए ये चाय तो ऊपर चली गई, मैं यहाँ पर आई तो मैं क्लीन कर रही थी ये, तो मैंने सोचा क्या हो गया, तो बोली कि चाय ऊपर चली गई, मैंने यहाँ पर चाय रख दी और उधर चली गई थोड़ा सा। मैंने सोचा चलो इसे सिरम विरम लगा लेती हूँ बालों को और रेडी हो जाती हूँ, तब तक ये चाय ऊपर चली गई। चलो कोई बात नहीं, अभी माही ने कर दिया है क्लीन, देखो क्लीन कर दिया है प्लेटफॉर्म माही ने, इतनी चाय बची है, तो ये अभी माही और मैं पीने वाली हूँ, क्योंकि माही का भी मन करता है अभी गुड़ की चाय पीने का, क्योंकि टेस्टी लगती है यार गुड़ की चाय, तो इसी वजह से अभी इसमें गुड़ डालना बाकी है सिर्फ, बाकी सारा मैंने डाल दिया था, देखो पूरा यार कितना पतीला खराब हो गया है। चलो कोई बात नहीं, इसमें गुड़ डाल देती हूँ और बना लेती हूँ अपनी चाय, चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। चलो चाय पी लेती हूँ और चाय पीने के बाद बताती हूँ आपको कैसी बनी है, एकदम टेस्टी बढ़िया चाय बनती है यार गुड़ की, मुझे पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। आपको पसंद है या नहीं कमेंट करके जरूर बताना मुझे गुड़ की चाय, आजकल माही को भी पसंद आ रही है ना माही। अद्विक यहाँ पर नहा के कैसा लग रहा है? अच्छा। ये अद्विक का न्यू बाथरूम। हाँ, और आपका न्यू बहुत अच्छा है। अद्विक का मेरे से भी सॉफ्ट है। हाँ अद्विक, अद्विक आपको अच्छा लगा ना ये? हाँ, अच्छा लगा। बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट है। मुझे भी सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है। हाँ। क्या मेरे बाल है ना माई दीदी के बाल आ रहे हैं आपके ऊपर इसी वजह से। अरे 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 अरे। आप तो वो मॉडल जैसे ही दिख रहे हो, मॉडल जैसे ही दिख रहे हो आप तो। मेरे इसी कैप देखो मम्मा, मेरे सर पे
हाँ, इसकी वजह से आपको ठंड भी नहीं लगती। यहाँ पर देखो माही के एक्सरसाइज चल रही है। एक्सरसाइज मीन्स पढ़ाई वाली पढ़ाई वाले। हाँ, ये यहाँ पर माही का हैंड राइटिंग दिखाती हूँ आपको। माही को आप अरे अरे आज तो दिखा नहीं दो। ये देखो कितनी गंदी हैंड राइटिंग है माही की। देखो कितनी गंदी हैंड राइटिंग है। कितनी बार बोलती हूँ माही को हैंड राइटिंग सुधारो। आपने सताया मीन्स क्यों क्यों सताया? सबको पता तो चले कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है। अरे इतनी बार बोलती हूँ मैं इसे डेली, कुछ ना कुछ पैराग्राफ लिखा करो, हैंडराइटिंग सुधर जाएगी। वो आपका मामा भी वैसे ही था, मेरा भाई जो पुणे वाला है ना, उसकी भी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, डॉक्टर जैसी हैंडराइटिंग। और कम से कम डॉक्टर तो भी बनना फिर। हैंडराइटिंग की वजह से एक कारण है इसके पीछे। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर जब बनते ना उनकी बहुत पढ़ाई रहती है, उनको लिखना वगैरह बहुत पड़ता है। हाँ। तो वो बहुत सारे फास्ट लिखने के चक्कर में उनके हैंडराइटिंग भी बिगड़ जाती। हाँ। इसलिए वैसे रहती है उनकी गिनती कर वहाँ पर हैंडराइटिंग। लेकिन आपकी क्यों है, आपको इतना ज्यादा नहीं लिखना पड़ता फिर भी? समझ में तो आ रही। समझ में नहीं, इससे ज्यादा अच्छी चाहिए माही। डेली एक पैराग्राफ अच्छे से लिखा करो पूरा। टू लाइन वाली बुक रहती ना, वो लेके आने के लिए बोलूंगी अभी पापा को। पिछले साल भी लाई थी, फिर भी इसने वो कहाँ रखी, वो भर गई। फिर भी आपकी हैंडराइटिंग नहीं सुधरी। लॉकडाउन का परिणाम नहीं, अभी पापा को और बोलूंगी। देखो और छुपा के रख रही है, और पापा को बोलूंगी लाने के लिए, और उस पर प्रैक्टिस करना, ठीक है? गाइज, आज मैं बनाने वाली हूँ पिज्जा, और बच्चों की डिमांड थी आज पिज्जा खाने की। एक्चुअली ये डेली कॉल करते हैं हमें कि आते टाइम क्या लेके आओ, तो बच्चे कुछ ना कुछ बताते हैं उन्हें। तो आज बच्चों ने बताया था कि पिज्जा लेके आओ, तो मैंने बोला आप एक काम करो, पिज्जा मत लेके आओ, आप पिज्जा की सारी चीजें लेके आओ। तो सारी चीजें लेके आया है ये। अभी बनाने वाली हूँ मैं पिज्जा घर पे, क्योंकि कल परसों शायद एक रिक्वेस्ट भी आई थी कि पिज्ज़ा रेसिपी शेयर करो करके। मैंने सोचा चलो पिज्ज़ा रेसिपी शेयर करते हैं। आज माइक्रोवेव में कैसे पिज्ज़ा बनाते हैं वो दिखाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने बहुत बार तवे पे पिज्ज़ा कैसे बनाते हैं वो दिखाया है, बट अभी माइक्रोवेव में दिखाती हूँ। माइक्रोवेव चलाना भी सिखा दूंगी आपको, मतलब पिज्ज़ा बनाना भी सिखा दूंगी माइक्रोवेव में, और पिज्ज़ा भी सिखा दूंगी, मतलब पिज्ज़ा की रेसिपी भी आपको बता दूंगी। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं। और रेडीमेड बेस से मैं पिज्जा बनाने वाली हूँ, तो बेस मैंने घर पे नहीं बनाया है। यहाँ पर देखो इन्होंने चार बेस लेके आए, मतलब दो पैकेट्स। तो यहाँ पर ये चार बेस है, और यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ भी काट के रखी है। तो ये देखो ये है पनीर, और यहाँ पर कैप्सिकम और प्याज काट के रखा है, मतलब ऑनियन काट के रखा है। तो अभी काटना है मुझे टोमेटो, तो टोमेटो भी इसी साइज का कटेगा, लंबा लंबा थोड़ा सा ऐसे इस साइज का, तो वो कटेगा, और उसके बाद वो टॉपिंग के लिए काम आएगा। अभी क्या क्या करना है वो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगी, बट सबसे पहले तैयारियां करते हैं। यहाँ पर मैंने टोमेटो काट लिया है, इस साइज के काटने हैं। यहाँ पर ऑनियन और कैप्सिकम ले लिया है। यहाँ पर काट लिया है मैंने छोटी छोटी साइज में पनीर, और उसके बाद ये है स्टैंड अपना। उसके बाद मैं यूज करूंगी थोड़ी सी शेजवान चटनी, और ये लाया है इन्होंने पिज्जा टॉपिंग, और उसके बाद ये है हमारे पिज्जा बेस। तो चलिए इसे लेके चलते हैं। मैंने पैकेट वॉश करके रखा था, मतलब सैनिटाइज करके रखा था, तो ये मैं बनाने वाली हूँ अब।
सबसे पहले हमें सब्जियां सॉटे करनी है, तो उसके लिए बस जस्ट थोड़ा सा ऑयल डाल देना है पैन में, और उसके बाद जो सब्जियां है, मतलब टोमेटो छोड़ के, टोमेटो वैसे भी गल जाएगा माइक्रोवेव में, ये जो सब्जियां है मतलब ये कैप्सिकम और प्याज, ये डाल देंगे हम इसमें और सॉटे कर लेंगे। तक ये सब्जियां सॉटे हो रही है लो फ्लेम में, तब तक मैं इसे ऑयल लगा लूंगी, जो हमारा बेस है ऊपर से ऑयल लगाना है एक ही तरफ से, ऑयल या बटर कुछ भी लगा सकते हो। अभी हमें ओवन को मतलब माइक्रोवेव को प्री हीट होने के लिए रख देना है, तो हमें दबाना है कन्वेक्शन मोड, दबाते जाना है, दबाते जाना है, दबाते जाना है, और यहाँ पर जब तक 200 सेल्सियस नहीं आ जाता तब तक दबाना है आपको, और स्टार्ट का बटन दबा देना है। तो ये प्री हीट जब तक नहीं होता तब तक हमें इसमें पिज्ज़ा बेस नहीं रखना है। तो यहाँ पर हमारी सब्जियाँ भी सॉटे हो गई है, बस ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है, बस थोड़ा ब्रश ऑयल का ऐड कर देना है इसमें पैन में, और अपना जो ये है पनीर है वो भी हमें थोड़ा सॉटे कर लेना है। बस ज्यादा नहीं करना है, सॉटे करने के लिए बोला है मैंने। पनीर सॉटे हो गया है, अभी इसे हम लोग निकाल लेंगे एक प्लेट में, यहाँ पर प्लेट में मैंने निकाल लिया है। हमारा जो माइक्रोवेव है वो प्री हीट हो गया है, अब हम रखेंगे इसमें पिज्जा बेस जो हमने पहले ही एक साइड से ऑयल लगा के रखा था, और इसे एक 2-3 मिनट के लिए होने देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 मिनट के लिए रखा था ये पिज्जा बेस, तो ये हो गया है थोड़ा सा ऊपर से क्रिस्पी, आप देख सकते हो, तो ये हम लोग निकाल लेंगे। ये देखो कितना क्रिस्पी हो गया है ये एक साइड से। हम लगाएंगे इसके ऊपर पिज्जा सॉस जो मैंने ये रेडीमेड लाया है, थोड़ी सी शेजवान चटनी ऐड करेंगे। शेजवान चटनी ऑप्शनल है, आप लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो, आपकी मर्जी, आपको लगाना है तो आप लगा लो, नहीं लगाना है मत लगाओ। ये देखिए अभी हमें इस पे सजानी है सब्जियां, तो यहाँ पर मैं सब्जियां सजा रही हूँ, आपको जो मर्जी आप डाल सकते हो, कॉर्न डाल सकते हो, स्वीट कॉर्न, पनीर डाल सकते हो, जो भी आपको चाहिए, बेबी कॉर्न डाल सकते हो। ये ना सजाने का जो ऑप्शन है वो आपके ऊपर टोटल डिपेंड है, मतलब जैसे आपको पसंद है आप करिए और इसे डेकोरेट करिए। देखिए मैंने इस तरह से कुछ डेकोरेट किया है इसे, आप जहां पर भी जो भी सब्जियां ऐड करनी है आप रख सकते हो और डेकोरेट कर सकते हो अपने हिसाब से। अभी मैं इस पे ऐड करूंगी चीज, तो चीज आपको भर भर के डाल देना है। एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा चाहिए तो आप एक्स्ट्रा चीज डाल दीजिए, अगर आपको कम चीज वाला पिज्जा चाहिए तो आप कम चीज डालिए, वो भी आपके ऊपर डिपेंड है टोटली। चलिए हमने इन सारी चीजों को अभी चीज से कवर कर लिया है, और अभी ये हम लोग रखने वाला है स्टैंड माइक्रोवेव में। हमारा माइक्रोवेव पहले से ही प्री हीट है, अभी ये स्टॉप का बटन दबाएंगे, मतलब ये पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर दबाएंगे ये कन्वेक्शन का बटन, ये करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे, और उसके बाद हम लोग दबाएंगे ये वाला बटन 1, 2, 3, 4, 5। मैंने 5 मिनट पे रखा है मैंने, बट ये अपना 3 या 4 मिनट में ही हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग दबाएंगे ये स्टार्ट वाला बटन। देखो 5 मिनट के लिए रखा था और 2 मिनट 30 सेकेंड बाकी है अभी भी, फिर भी मैं इसे स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो है हमारा पिज्ज़ा रेडी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो चीज़ है वो मेल्ट हो चुका है, और आप देखो कितना ज़्यादा अच्छे से मेल्ट हुआ है।
बस इस पे हम लोगों को डालना है ऑरिगेनो, और आप पहले भी डाल सकते हो और बाद में भी डाल सकते हो। ऑरिगेनो डालो, उसके बाद चिली फ्लेक्स डालो और हो जाएगा खाने के लिए रेडी आपका पिज्जा। तो यहाँ पर देखो मैं ऑरिगेनो डाल रही हूँ। चिली फ्लेक्स डालना है तो डालो, नहीं डालना है तो मत डालो, क्योंकि बच्चे खाएंगे ना तो तीखा लग सकता है उन्हें, तो इसी वजह से मैं नहीं डालने वाली हूँ। अपने बाइट में बस मैं एक बाइट लेने वाली हूँ और उसमें ही मैं अपना चिली फ्लेक्स डालूंगी, क्योंकि ये शेंगोड़े थोड़े से बचे हुए हैं तो मैं यही खाने वाली हूँ डिनर में, और बच्चे खाएंगे पिज्जा। तो चलिए अभी इसे काट लेते हैं। पहला पिज्जा है जो बना के रखा है मैंने, काट के भी रखा है, तो ये जाएगा अभी वहां पर हॉल में, क्योंकि अभी ये लोग वेट कर रहे हैं हॉल में, और यहाँ पर है सारे लोग जो वेट कर रहे हैं पिज्जा के लिए। पिज्जा के लिए और मम्मा मेरे पास ब्लैक बलून भी है, रेड बलून भी है। अरे वाह 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 वाह। और एक मिनट मैं लेती हूँ ना, आप खाके तो देखो पहले, एक मिनट खाओ खाओ खाओ। अरे अद्विक आप इतने देर से वेट कर रहे थे यार, आप खा के देखो ना। अरे लो ना बेटा, इतना मम्मा ने लो लो मम्मा। मेरे कैसा बना? सेम बाहर जैसा। हमारे घर पे ग्रीन तो नहीं है। हाँ ये ब्लैक। हाँ और रेड। उसको बलून मिल जाए ना बस उसी में खुश हो जाता है। चलो खाओ जल्दी से पिज्जा। पिज्जा कब से कर रहे थे आप? चलो खाओ। और ना डोमिनोज को जैसे, क्या बात कर रहे हो, डोमिनोज अरे वाह वाह, खा लेते हैं। मम्मा मुझे ये नहीं चाहिए। फिर ये हटा दो। क्या हटा दूं? ये अच्छा, ये कैप्सिकम है, चलो निकाल दो। हाँ अच्छा, अब अच्छा लग रहा है। चलो खाओ। अरे सच में यार, बाहर जैसा लग रहा है, एकदम डोमिनो स्टाइल वाला। आपको झूठी लग रहा है? नहीं सच में, मुझे मुझे हमेशा झूठी लगता है आपका। मुझे लगता है ये झूठी झूठी तारीफ करते हैं मेरे। बट मुझे देखो पसीना कितना आ रहा है। तो चलो अभी ये फिनिश कर लेती हूँ, एक ही खाती हूँ यार, मेरा डिनर पड़ा है वैसे ही, शंगोड़े पड़े हैं मेरे, तो वो खाऊंगी। बहुत ज्यादा टेस्टी बना है, आप जरूर ट्राई करना, और आप भी आ जाओ यार ये पिज्जा पार्टी करने। भी आ जाओ, सब लोग आ जाओ खाने, पिज्जा खाने। हाँ। मम्मा के हाथ का बना हुआ। हाँ, मैं भी आ गया। चलो खा लेते हैं अब ये। पर देखो माही दूसरा पिज्जा बना रही है। पहले उसने क्या किया, ये यहाँ पर मैंने उसको वो लगा के दे दिया शेजवान चटनी, उसके ऊपर ये पिज्जा टॉपिंग लगा रही है माही, जैसे उसको चाहिए अभी वैसे डेकोरेट कर रही है। वैसे डेकोरेशन का तो उसे बहुत शौक है, तो अभी वो जैसे चाहिए उसे वैसे कर रही है डेकोरेट। तो ज्यादा पीछे मत लेके जाना, अंदर अंदर ही करना, क्योंकि उधर पीज मेल्ट हो जाएगा फिर। मैंने तो ऐसे ही डाल दिया था, लेकिन माही देखो कितने अच्छे से डेकोरेट कर रही है। देखो माही ने डेकोरेट कर लिया है, अभी चीज जो है इस पे डालना है और रखना है माइक्रोवेव में। यहाँ पर चीज डालना हो गया है, अभी इसे रखेंगे माइक्रोवेव में। डेकोरेशन उसकी क्यूट है। अभी यहाँ पर मेरे पास ना ग्लव्स नहीं है, ग्लव्स लेने पे है मुझे यार, देखो इसी की वजह से मैंने ये कपड़ा ले लिया है। अरे वो ग्लव्स नहीं काम में आता है। वैसे थोड़ा ठंडा माहौल हो गया। अच्छा मई देखो ये कैमरे में ना बाहर का भी थोड़ा वाइट दिख रहा है। तो चलिए गाइस, बच्चे अभी खा लेंगे पिज्जा और मैं खाऊंगी अपने शेंगोड़े। चलिए इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आज की ये पिज्जा पार्टी बहुत अच्छी रही और बहुत यम्मी पिज्जा बना है, जरूर ट्राई करना। अगर आपके घर में ये आईएफबी का माइक्रोवेव है तो कन्वेक्शन माइक्रोवेव, तो आप इसमें बना सकते हो और बहुत टेस्टी बनता है, जैसे कि डोमिनोज जैसा पिज्जा बना है आज।
और बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि पहले क्या होता था कि नीचे का जो बेस है ना वो मेरा थोड़ा सा वही रहता था, मतलब कच्चा ही रहता था। इसी वजह से अभी पिज़्ज़ा का जो बेस है, जो मैंने ट्रिक बताई आपको, उससे बेस भी अच्छा कड़क हो जाता है और डोमिनो स्टाइल पिज़्ज़ा बना है ये, तो ज़रूर ट्राई करना। ट्राई करना तो बनता ही है, अगर रेसिपी मिल जाती है, मैं भी बहुत बार ट्राई करती रहती हूँ ऐसी ही अलग अलग रेसिपीज, तो आप भी ट्राई करिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। और हाँ, इसके अलावा मेरे दो और चैनल है, चाहो तो वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे, और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टा का लिंक और दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जाते जाते लाइक करना मत भूलेगा, पिज्जा के लिए एक लाइक तो बनता है यार, प्लीज लाइक कर देना। बाय बाय।